कब से आ रहे हैं इधर? तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं। बनू पुलाव की खास बात आपको क्या लगती है? इनका टेस्ट और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही। कैसा टेस्ट है इनका? बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। और दूसरी ये बात है कि सर्विस बहुत जड़ी है ना इनकी, अच्छी है, क्विक है, यानी कि अच्छी सर्विस है इनकी। अच्छी सर्विस है। क्या खास बात आप डालते हैं इस पुलाव में कि लोग इतनी दूर दूर से आपके पास आते हैं खाने के लिए? ये जो है ना, ये तो एक हमारा रिवायती काम है, और दूसरा है ना कि हम इसमें किलो में जो है ना 2 किलो हम बीफ पुलाव डाल देते हैं, और साथ में नली होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान अली आप खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक टीवी। गुजरात में जो सबसे मशहूर टेस्टी बन्नू पुलाव है, उनकी शॉप का आज आपको विज़िट कराने जा रहे हैं। और ये कब से हैं और कब से ये काम कर रहे हैं? और तो आइए आपको टेस्टी बन्नू बीफ पुलाव का विज़िट कराते हैं। कितना अरसा से इधर आ रहे हैं आप इस शॉप पे? तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं हमें इधर आते हुए। कैसा टेस्ट है इनका? बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। और दूसरी ये बात है कि सर्विस बहुत जड़ी है ना इनकी, अच्छी है, क्विक है, यानी कि अच्छी सर्विस है इनकी। अच्छी सर्विस है। हम जितने भी दोस्त हैं ना गाँव के, जिस वक्त भी फारग होते हैं, मैं सब दोस्तों को यही कहते हैं कि चलें उधर पुलाव खाने के लिए, खान लोगों के पास। जितने भी दोस्त हैं वो कोई दिन को आते हैं, कुछ शाम को आते हैं, वो इधर ही आकर जो है ना ये खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। भाई नाम क्या है और किधर से हैं? जी एजाज चौधरी नाम है, प्यारा को। कब से आ रहे हैं इधर? तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं। बन्नू पुलाव की खास बात आपको क्या लगती है? इनका टेस्ट और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही। और आपने देखने वालों को, हमारे नाज़रीन को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? गुजरात में आई थिंक सो ये बड़ा ज़बरदस्त इनका सेटअप भी है, क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी है। आना चाहिए इसको टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करने के लिए जी, टेस्ट एक दफ़ा लाजिम करें तो आप बार बार आएंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त टेस्टी बीफ बन्नू पुलाव के ओनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये कब से अपनी सर्विस सारा अंजाम दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम जी बासित है, अब्दुल बासित। अच्छा, इधर गुजरात में आप कितने अरसे से अपनी सर्विस दे रहे हैं? गुजरात में हम तकरीबन 4.5 साल हो गया अपनी सर्विस दे रहे हैं। क्या खास बात आप डालते हैं इस पुलाव में कि लोग इतनी दूर दूर से आपके पास आते हैं खाने के लिए? ये जो है ना, ये तो एक हमारा रिवायती काम है, और दूसरा है ना कि हम इसमें किलो में जो है ना 2 किलो हम बीफ पुलाव डाल देते हैं, और साथ में नली होता है, तो ये स्पेशल है हमारे लिए। और लोगों को भी जो है ना बहुत भरपूर मज़ा देते थे। आपकी गुजरात में एक ही शॉप है इधर, या और पाकिस्तान में आपकी शॉप है ब्रांच? पाकिस्तान में हमारे ब्रांच है, और गुजरात में जो है ना ये हमारा पहला ब्रांच है, और यही जो है ना हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हम जो है ना लोगों को, सारा लोग जो है ना इधर ही आता है, और हर शहर में जो है ना हम एक ही शॉप बनाते हैं।
दूसरा शॉप जो है ना हम नहीं बनाते हैं, हाँ लोगों ने बनाया हुआ है लेकिन वो जो है ना वो नकली है। और आप के जहन में आइडिया कैसे आया कि गुजरात में इधर अगर ये हम पुलाव शुरू करें तो लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे? बिल्कुल, देखो हमने जब पंजाब में पहले ब्रांच बनाया तो हमें पता चल गया कि देखो पंजाब में जो है ना ये जो है ना लोगों ने जब हमने पहले ब्रांच बनाया तो लोगों को जो ना हमें बहुत रिस्पॉन्स मिल गया। तो हमने सोच लिया कि यार अगर इस बिज़नेस को थोड़ा आगे लेके जाए तो फिर जो ना हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, लोगों को भी जो थोड़ा आसानी हो जाएगी क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आता है। तो इसकी वजह से हमने हर शहर में जो ना एक ब्रांच जो ना डाल दिया ताकि लोगों को भी आसानी हो और जो ना हमारे कारोबार में हमारे बिज़नेस में भी थोड़ा इजाफा हो जाए। अच्छा, आपके पास डिलीवरी सर्विस मौजूद है या नहीं है? नहीं, डिलीवरी सर्विस तो नहीं है क्योंकि लोग जो ना इधर आके हमारा माहौल देख के, हमारा जो ना सर्विस देख के, हमारा सफाई देख के, इसलिए हमने जो ना डिलीवरी का सिस्टम पहले बनाया हुआ था। फिर जब हमें पता चल गया कि जो ना वो लोगों का आना जाना थोड़ा कम हो गया तो इसकी वजह से हमने जो ना वो ख़त्म कर दिया। तो पार्सल की सहूलत है? पार्सल की सहूलत, पार्सल और फैमिली हाल की सहूलत हमारे पास है। ठीक है, तो आप अपने देखने वालों को और अपने कस्टमर को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम अपने देखने वालों को ये बात बताना चाहते हैं कि आइए और चेक करें, माशाल्लाह लोग आता भी है और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है, सफाई सुथराई में भी, बाकी जो है ना मयार भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बाकी जो है ना हमारे वेटर्स आम जो वेटर्स आमल आए वो भी माशाल्लाह भरपूर काम करते हैं, अगर कोई कमी हो पेशी हो तो फिर जो ना वो भी बता सकते हैं। हाँ, अच्छा ये ज़्यादातर मैंने देखा है पुलाव जो है ये तोल कर देते हैं, ये क्या चक्कर है? बस ये जो है ना मेरे शुरू से जो है ना ये जो काम है ना शुरू से ही जो है ना तोल के ही देते हैं, पख्तूनख्वा से ये काम आ रहा है और जो है ना वही काम जो है ना हम इधर ही कर रहे हैं, तोल के हिसाब से देते हैं क्योंकि जो गोश्त है ना वो हमें किलो के हिसाब से मिलता है, गोश्त है भी महंगा, तो इसी वजह से जो है ना हम यही सोचते हैं कि हर आदमी को अपना हक मिल जाए, प्लेट के हिसाब से इसलिए नहीं देते क्योंकि फिर हक जो है ना किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो इसकी वजह से हम तोल के हिसाब से देते हैं चावल। अच्छा, गुजरात के लोग और आसपास के लोग कैसा ताउन कर रहे हैं इधर? माशाल्लाह गुजरावाला से लेकर जो है ना ममदीपुर हो गया, ये समड़ियाल हो गया, वज़ीराबाद हो गया, लाला मूसा हो गया, काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है हमें। बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, तो आपने टेस्टी बीफ बनू पुलाव का विज़िट किया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ अपने मेज़बान सलमान अली को इजाज़त दें, देखते रहिए पाकिस्तान पब्लिक टीवी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।